दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर उन मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को कहा है जो याचिका में उठाए गए हैं, जैसे जो युवा अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने से पहले प्रोसेस में थे उन पर क्या अपडेट है। जैन साथियों, परसों आपने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुन लिया होगा अग्निपथ को लेके। उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट है और इसमें अग्निपथ को लेके सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी नेशनल मीडिया के द्वारा कवर कर दिए गए हैं। आप लोग देखिए वीडियो, आपको अग्निपथ और हमारा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला और उसके आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकते हैं आपको उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल पता चल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद में अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दें। दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानी 25 अगस्त को अग्निपथ स्कीम को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही थी। ये याचिकाएं अलग अलग वजहों से लगाई गई हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं में अधिकतर वो युवा हैं जो अग्निपथ स्कीम लागू होने से पहले आई तीनों सेनाओं की अलग अलग भर्तियों का हिस्सा थे, जैसे आर्मी में सैनिकों की भर्ती, एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती और नेवी में सेलर की भर्ती। ये भर्तियां पहले कोरोना की वजह से और फिर बाद में अग्निपथ स्कीम लागू होने की वजह से बीच में ही अटकी रह गई, यानी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ केरल, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। अग्निपथ के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की साझा बेंच ने सुनवाई की। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान है। एक याचिकाकर्ता अमित कुमार ने सशस्त्र बलों की शॉर्ट टर्म भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। साथ ही अमित ने उन उम्मीदवारों के चयन को रद्द ना करने की भी मांग की जिन्हें 2019 में भारतीय वायुसेना के लिए पहले ही भर्ती की मंजूरी दे दी गई थी। अमित कुमार ने अपनी याचिका में कहा, अग्निपथ योजना लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि ये सेना अधिनियम 1950 की धारा 193A का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसे संसद के किसी भी सदन के समक्ष पेश नहीं किया गया है। केंद्र और उसके तहत सभी अधिकारियों को उन सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र और चयन पत्र जारी करने का निर्देश देना चाहिए जिन्हें पहले सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हर केस पर अलग अलग जवाब पूरी डिटेल के साथ फाइल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। ये तो बात हुई कोर्ट में हुई सुनवाई और उसकी अपडेट पर, अब बात अग्निपथ स्कीम की। शुरू से शुरू करते हैं। 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अग्निपथ स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया गया। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की घोषणा करने के बाद इस स्कीम का देश भर के अलग अलग हिस्सों में खूब विरोध हुआ। कई राज्यों में इसने हिंसक रूप भी ले लिया। तो रक्षा मंत्रालय की इस अग्निपथ स्कीम की क्या है खास बातें, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अग्निवीरों की भर्ती पर बात करते हैं। अग्निवीर योजना के लिए 17.5 से 21 साल के युवा पात्र होंगे। इनकी भर्ती आर्मी में रैलियों के जरिए होगी और एयरफोर्स और नेवी में एग्जाम्स के जरिए, जैसे पहले सैनिकों की भर्ती होती थी। भर्ती के लिए तीनों सेनाओं द्वारा तय मानकों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। शारीरिक दक्षता और मेडिकल फिटनेस साबित करने के बाद अग्निवीर रिक्रूट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब बात अग्निवीरों द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं पर। ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट सेना की टुकड़ी में तैनात किए जाएंगे जहां उसे अग्निवीर कहा जाएगा। ये एक अलग रैंक होगा और अग्निवीरों का एक अलग इंसिग्निया यानी कि चिन्ह होगा जो उनकी वर्दी पर भी होगा। ये तीनों सेनाओं के हर अंग में शामिल किए जाएंगे, कॉम्बैट आर्म्स में भी। मिसाल के लिए थल सेना के संदर्भ में अग्निवीर इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी तीनों में शामिल होंगे। कॉम्बैट आर्म्स सेना के वो अंग होते हैं जो सीधे लड़ाई में उतरते हैं। अग्निवीरों को तनख्वाह कितनी मिलेगी ये भी जान लेते हैं।
अग्निवीरों की तनख्वाह 30,000 प्रतिमाह से शुरू होकर चौथे साल में 40,000 तक पहुंचेगी, लेकिन ये पूरी तनख्वाह अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। इससे तकरीबन 30% रकम अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगी और इतना ही पैसा सरकार अपने खाते से अग्निवीर कॉर्प्स फंड में डालेगी और चौथे साल के अंत में ये पूरा पैसा ब्याज सहित अग्निवीर को मिल जाएगा। सेवा के दौरान अग्निवीरों को बाकी सैनिकों की तरह स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी अग्निवीर को सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो उसे अपनी तनख्वाह के अतिरिक्त रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, साथ ही ड्रेस, राशन आदि के लिए भत्ता भी मिलेगा। सेवा के दौरान सेवा निधि पर 16,50,000 तक का लोन भी अग्निवीर ले सकेगा। अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे 48,00,000 तक का बीमा मुफ्त मिलेगा। अगर मृत्यु सेवा संबंधित कारणों से होती है, जिसे डेथ अट्रिब्यूटेबल टू सर्विस कहा जाता है, उस स्थिति में रकम 1,02,00,000 से ऊपर चली जाएगी। साथ ही बची हुई सेवा की तनख्वाह सेवा निधि सहित परिवार को दी जाएगी। इन अग्निवीरों को स्थायी सेवा का भी प्रावधान मिलेगा। तीनों सेनाओं के अग्निवीर क्रमशः आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के तहत 3.5 साल ड्यूटी करेंगे। इसके बाद सभी के पास स्थायी सेवा में बहाल होने का मौका होगा, लेकिन अंतिम चयन होगा सिर्फ 25% का। स्थायी कैडर में चयन के बाद अग्निवीर को सैनिक या समकक्ष पद मिलेगा। यहां से उन्हें स्थायी सेवा के भत्ते और तनख्वाह मिलने लगेंगे। सैनिक 15 साल तक सेवा में रह सकेंगे और इस दौरान वो पदोन्नति और सेवा के बाद पेंशन और कैंटीन सेवा के भी पात्र होंगे। एक बात ध्यान देने वाली है, स्थायी सेवा में जाने वाले अग्निवीरों को अग्निवीर रहते की 4 साल की सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। स्थायी कैडर में उनकी यात्रा शुरू से शुरू होगी। साथियों, आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब जो नई डेट मिली है, आशा करते हैं कि उसमें हाईकोर्ट हमारे लिए काफ़ी कुछ सोचेगा, या जो युवा बच्चे हैं सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके हितों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये लंबा टाइम मिला है उसके बारे में सोच के विचार विमर्श करके ज़रूर एक अच्छे और सकारात्मक कदम आएंगे। नहीं तो ये अग्निपथ योजना आने वाले 2024 के चुनाव में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी रुकावट जरूर खेद करेगी, क्योंकि जहां पूरे देश में इस भर्ती को लेके विरोध हो रहा है और कई पुराने जो सेना से रिटायर्ड जनरल हैं या सेना से रिटायर्ड जो भूतपूर्व जो आपके जिशु साहिबान हैं या जो हमारे अन्य फौजी भाई लोग हैं, सभी ने इस अग्निपथ योजना का विरोध किया हुआ है। सिर्फ उसकी तारीफ वही कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए चाटुकार हैं, अन्यथा एक आम तबका या एक आम लोग या फौज में जो जिन्होंने अपने एड़ी चोटी के दम पे नौकरी करी है, सभी इस घटना का विरोध कर रहे हैं। तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए जरूर बनाएं कि अग्निपथ योजना को वापस कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।